जी, तो जब हम कोई चीज़ खाते हैं तो हम उसको बहुत जल्दी अडाप्ट कर लेते हैं। मतलब पहले हमें जब एकदम से खाएंगे तो बहुत मीठा लगेगा, फिर ऐसा ऐसा मीठा लगना कम हो जाएगा, तो वो उसे हम कहते हैं कि अडाप्टेशन हो जाती है। शुरू में पहली दफ़ा जब टेस्ट रिसेप्टर स्टिमुलेट होता है तो बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल जाता है टुवर्ड्स द ब्रेन, पर जब मुसलसल स्टिमुलेट होता रहता है तो फिर एक कंटिन्यूस लेकिन वीक सिग्नल ब्रेन की तरफ जाता है। तो हमारे पास रैपिड अडाप्टेशन टेस्ट बड्स जो है वो एक्चुअली नहीं करते, हाफ ऑफ द रिसेप्शन जो अडाप्टेशन है ना वो टेस्ट बड करते हैं टेस्ट के लिए, लेकिन आधी अडाप्टेशन ब्रेन की तरफ से होती है, ब्रेन के टेस्ट एरिया की तरफ से। वो होती क्या मैकेनिज्म क्या किसी को नहीं पता, अननोन है। फिर टेस्ट प्रेफरेंस क्या होती है, हम अगर एक दफ़ा एक चीज़ खाएं और हमें बहुत पसंद आए तो हम उसे प्रेफर करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड टेस्ट प्रेफरेंस। और वो हमारी बॉडी की मेटाबॉलिक नीड्स पे भी डिपेंड करती है। किस तरह से, अगर हमने एक्सपेरिमेंट करके देखा एक ऐसी चीज़ जिसे बस आखिरी है, एक ऐसा बंदा जिसको सॉल्ट्स की शदीद कमी हो, जिसमें एड्रीनल कॉर्टेक्स हमने रिमूव कर दिया है, वो हमेशा वो पानी पीना चूज़ करेगा जिसमें सॉल्ट की अमाउंट ज़्यादा हो, ड्यू टू ये टेस्ट रिसेप्टर इस तरह से स्टिमुलेट हो जाते हैं। फिर एक ऐसा बंदा जिसमें हमने एनिमल्स में देखा गया कि एक ऐसा एनिमल जिसका हमने बहुत सारा इंसुलिन दे दिया है, उसका ग्लूकोज लेवल डाउन कर लिया है, वो अगर उसके सामने मुख्तलिफ खाने की चीज़ें रखे तो वो चूज़ करेगा सबसे ज़्यादा मीठी हो, क्योंकि उसे पता है उसके अंदर कमी हुई है। फिर अगर ऐसी चीज़ जिसको हमने बहुत ज़्यादा कैल्शियम डिप्लीट हो चुका हो, उसे पैराथायराइड हार्मोन उसका हमने कम कर दिया, वो हमेशा कैल्शियम क्लोराइड वाली चीज़ पिएगा। ये हमने जानवरों पे करके देखा था। तो इसका मतलब ये कि टेस्ट रिसेप्टर जो है वो इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं कि वो हमारी बॉडी के मेटाबॉलिक नीड्स के मुताबिक खाना पसंद करते हैं। देन हमारे पास आखिरी चीज़ ये है कि टेस्ट एवर्जन, अगर हम कभी कोई खाना खाएं और फिर हम उससे बीमार हो जाए तो अगली बार हम वो चीज़ खाना पसंद नहीं फरमाते और उसको दूर उससे दूर रखते हैं अपने से। दिस इज़ कॉल्ड टेस्ट एवर्जन। दिस इज़ ऑल अबाउट टेस्ट। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज़ आस्क। थैंक यू।